के साथ में अब अपनी सभा को जारी रखेंगे और भाई जसविंदर भी प्रभु के वचन से कुछ विचारों को हमारे सामने रखेंगे, जैसे कि हमने वचन सुना और जैसा कि पवित्र आत्मा भाई जसविंदर की अगुवाई करता है, और हम उन विचारों को सुनेंगे जो भाई वचन भाई जसविंदर अब हमारे सामने रखेंगे। एंड आई विल बी ट्रांसलेटिंग फॉर ब्रदर जसविंदर, ही विल स्पीक इन हिंदी एंड आई विल ट्रांसलेट फॉर हिम इन इंग्लिश। नाउ ब्रदर जसविंदर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह में सभी भाई बहनों को मैं सलाम कहता हूँ। I greet you all in the name of Lord Jesus Christ। और जिस तरह हमने प्रभु के दास भाई सैम से प्रभु का वचन सुना, As we heard the word of God through the servant of God, our dear brother Sam, और हम सबको प्रभु के उस वचन से बहुत आशीष मिली। We have thoroughly been blessed through this word। और प्रभु भाई सैम को और भाई इमैनुअल को और आप सभी भाई बहनों को आशीष दें। May the Lord bless you all। और जैसे भाई सैम ने पहला पत्रस उस दो चैप्टर से पढ़ के बताया, As Brother Sam read through the scriptures from 1 Peter chapter 2, कि अब हम परमेश्वर का चुना हुआ समाज हैं। Now we are a chosen generation of God। और पहले हम कुछ भी नहीं थे। And we were nothing, we were alienated before। परंतु अब हम परमेश्वर का चुना हुआ समाज हैं। But now we are the chosen generation of the Lord। तो कई बार हम सोचते हैं कि क्यों सभी लोग जो हैं इस कलाम को, इस सच्चाई को क्यों नहीं समझते? Sometimes we think, why is it that many people cannot relish
cannot understand and comprehend this truth. और हम चाहते हैं कि सभी लोग, सारी दुनिया जो है, इस कलाम को समझ जाए, कबूल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता. Although it is our earnest desire that most of this world should accept and understand this word, but it doesn't happen really. तो हम प्रभु के वचन से ही सीखेंगे, समझेंगे कि क्यों ऐसा नहीं होता. And only word of God can tell us that why is this not happening. और हम प्रभु के वचन और कुलसिया में ही आगे जाएंगे, जहां से भाई साहब ने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे. कुलसिया और उसका हम पहला ही चैप्टर खोलेंगे. the first chapter of Colossians, और उसकी 26 आयत से पढ़ने जा रहा हूँ मैं, 26 आयत से 26 से. And I'm going to read from verse 26, Colossians chapter 1. I'm going to read beginning verse 26. अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ. 27 आयत, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है. आमीन. ब्रदर मैनुअल, So now we are reading Colossians chapter 1, verse 26 and 27. Here Paul is writing to Colossians, the mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to saints. To them God willed to make known what are the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amen. तो यहाँ पे हम प्रभु के कलाम से पढ़ते हैं. Now we see from the scriptures कि प्रभु ने उन पर प्रकट, जिन पर प्रभु ने प्रकट करना चाहा. The Lord declared it to them whom he willed. सभी पर नहीं पर जिन पर प्रभु ने प्रकट करना चाहा. As the Lord willed, he made it known to them. तो इससे हमें पता चलता है कि जिस पर प्रभु ने अपना वचन प्रकट करना चाहा, उन पर भी प्रकट किया. So by this we know that God has his own will. और whosoever he is willing to declare his word, they will only hear and they will only know it. और हम दूसरा रेफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका दो चैप्टर. पहला कुरिन्थियों और उसका दो अध्याय, First Corinthians chapter 2, the second reference now. जी, और हाँ, उसकी हम chapter 2, 6 आयत से पढ़ने जा रहे हैं. 6 आयत से, beginning from verse 6, we will read. फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वह जानते तो तेज में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है. आमीन. 9 आयत तक. Brother Jaswinder, can you tell the scripture once again? Yes, First Corinthians chapter 2,
वर्स 6 चैप्टर 2 6 टू 9 यस 6 टू 9 यस ओके आई गॉट इट गॉड ब्लेस यू यस यस फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 2 वर्स 6 टू 9 हाउएवर वी स्पीक विजडम अमंग दोज हु आर मैच्योर येट नॉट द विजडम ऑफ दिस एज नॉर ऑफ द रूलर्स ऑफ दिस एज हु आर कमिंग टू नथिंग बट वी स्पीक द गॉड इन अ मिस्ट्री Then with our glory, none of us know, for had they known it, the Lord of glory. Amen. Verse 6 to 8 to 9. Brother Jaswinder, 6 to 9 or 6 to 8? 6 to 9, brother, 6 to 9. 9. We will take verse 9 also, but it is written, verse 9, Eye has not seen, nor the ear has heard, nor have heard of the man, the things which God has prepared for those who love him. Amen. तो हम आठ आयत को दोबारा गौर से ध्यान देंगे आठ आयत से. We will focus once again on verse 8. इसमें लिखा है कि इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना. And he says that the world did not know this. They did not understand this. They came to nothing of this knowledge. हम लोग जो हैं वो इस संसार के हाकिम नहीं हैं. They are not the rulers of this age. हम स्वर्ग के नागरिक हैं. We are the inheritors, we are the citizens of the heavenly kingdom. लेकिन 9 आयत में देखिए प्रभु का अनुग्रह प्रभु की दया 9 आयत में. This 9th verse we see the mercy and grace of God for us. कि जिन लोगों ने ना आंखों से वो देखा था ना कानों से सुना था ना उनके मन में ये कभी था कि वो लोग प्रभु को देखेंगे या सुनेंगे जब प्रभु का कलाम उनके दिल में होगा प्रभु ने. Now you see the 9th verse says the eye has not seen nor ear had heard nor have entered into the heart of the man the things which God has prepared for those who love him. That means for them who has prepared his way they will only hear him, they will only see it. ये हम लोग हैं. These are we who believe today the word of God. हम वो लोग हैं जो अलग अलग दायरों से अलग अलग धर्मों से अलग अलग जगह से हम निकल के आए हैं. We are the people who have come out from various sects and various religions and various backgrounds and teachings. और हम लोग मूर्ति पूजक लोग थे दिनों त्योहारों को मानने वाले लोग थे हम. We have been the followers of days and festivals and idolatry. और ये देखिए प्रभु का अनुग्रह कि आज हमारे हाथ में प्रभु का कलाम है. And we thank God and see this today we have the true word of God with us. जो चीज हमने कभी सोची नहीं थी वो आज हमारे दिल में है. What we never thought that we would ever be in this situation. God has given it to us by His grace. जो कभी हमारी आँखों ने प्रभु को देखा नहीं था अब हमारी आँखें कलाम के जरिए प्रभु को देख रही हैं. Things we were blind to those things we could having eyes we could not see this but today we can see in the word of God through the word of God. और जिन कानों ने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी प्रभु का कलाम सुनेंगे आज वही कान प्रभु का कलाम सुन रहे हैं. The ears, our ears, which could ever have thought that we, with the same ears, we could hear the word of God, the truth, today we can hear. तो ये प्रभु की दया और प्रभु का अनुग्रह है. This is only His mercy and His grace. तो जिस पे वो प्रकट होना चाहता है उस पे वो प्रकट हो जाता है.
He manifests himself on whoever he is willing to do. और इसके साथ हम रोमन्स की किताब में जा रहे हैं, रोमियो की किताब, रोमन्स. Now we going forward to the book of Romans. और उसका हम, book of Romans. हाँ, दस चैप्टर है उसका, दस चैप्टर में जा रहे हैं हम. And we go to chapter 10 of Romans. Romans chapter 10. और उसकी 17 आयत पढ़ने जा रहा हूँ मैं, 17 से लेके 21 तक, 17 से 21. And I'm going to read from verse 17 until the end of the chapter, which is verse 21. अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं. मैं फिर कहता हूँ क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूर्ख जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा. फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया. परंतु इज़राइल के विषय में वह ये कहता है मैं सारा दिन अपना हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा. आमीन आमीन ब्रदर. आमीन आमीन. बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 17, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 टू 21 वी आर रीडिंग नाउ. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Indeed, their sound has gone out of all the earth and world. But I say, did Israel not know? First Moses says, I will provoke you to jealousy by those who are not a nation. I will move you to anger by a foolish nation. But Isaiah is very bold and he says, I was found by those who did not seek me. I was made manifest to those who did not ask for me. But to Israel he says, all the day long I have stretched out disobedient and contrary people. Amen. तो 17 आयत में हमने पढ़ा कि जो विश्वास होता है वो सुनने से आता है, परंतु हमने जो सुनना है वो मसीह का वचन होता है. Now in the 17th verse he says, he highlights that faith comes by hearing. Now other part is, what do we hear? Hearing what? It says hearing by the word of God. और लिखा है कि वचन तो उसका सारी पृथ्वी पर फैला, सभी ने उसका वचन सुना लेकिन विश्वास नहीं किया. And further he says, the word spread out, the sound or the voice of this word went all over the earth, and their words to the ends of the world, but they did not believe. फिर प्रभु कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों का ज्ञान नाश कर दूं. That's why he says that I have chosen the silly and unwise people from this world, from this earth, so that I can condemn the wise people of this world. मैंने जगत के कमजोरों को चुन लिया कि बलवानों का बलवान नाश कर दूं. So that I could destroy the strength of the wise people and the strong people of the world, so that I have uplifted and chosen the weak ones. तो ये भी हम ही लोग हैं. Again, it points us back to us. हम इस समाज के कमजोर और मूर्ख और अनपढ़ लोग थे. Today we have been called and we were the weak links, and we have been uneducated and unwise people according to the world. लेकिन देखिए प्रभु के वचन के द्वारा हम समझदार कुवारियां बन गए. But see, by the word of God we have been transformed and converted as the wise virgins. और प्रभु के वचन के द्वारा हम इस दुनिया के सबसे
बलवान और सबसे सामर्थ्य पाए हुए लोग हैं। And according to the word of God, spiritually speaking, we are the most powerful and blessed people in this world. हम मूर्ख लोग वो हैं जिनके पास आज उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक प्रभु का प्रकाश का कलाम है। We are those unwise and foolish people of the world who have received the revelation of the word of God from Genesis to Revelation today by His grace. हम वो विश्वासी लोग हैं ना आज दिनों से डरते हैं ना त्योहारों से और ना हम किसी भी तरह से जादू टोना से किसी भी चीज से नहीं डरते। We are not scared of keeping any festivals and days or witchcraft or sorcery. We are not afraid of any of such things today. और ये जो 20 आयत है ये भी हमारे लिए है। Even the 20th verse of Romans chapter 10 is also applying to us. हम तो मूर्ति पूजक लोग दिनों त्योहारों को मानने वाले लोग थे। We have been the people that who were following the days and festivals. जब इस संसार के ज्ञानवानों ने प्रभु के वचन को कबूल नहीं किया तो प्रभु हमारी तरफ आ गया। And the wise of this When the wise people and the chosen generation of God had rejected him, his own people rejected him, then the Lord turned his face to us people, the idolaters and the weak people and unwise people as Gentiles, and he moved towards us and he gave us his wisdom. हम तो प्रभु को ढूंढते भी नहीं थे, हम प्रभु को बिल्कुल भी नहीं ढूंढते थे। माफ कीजिए। बीस आयत पढ़ रहा हूँ। हम जो लोग थे हम तो प्रभु को ढूंढते भी नहीं थे। We could not even search God. We did not know where to find God. और देख लिए, देखिए आज हमने प्रभु को पा लिया है। And see, by His grace and His mercy, we can say. We have found him. We know him. लेकिन ये क्यों हुआ? Why did this happen? इसके लिए हमें रोमन्स 11 की 6 पढ़नी पड़ेगी। रोमन्स 11 की 6 आयत। Let us continue reading Romans chapter 11. Romans chapter 11 and verse 6. We are already on this page. Romans chapter 11 and verse 6. ये इसलिए नहीं हुआ कि हम बहुत ज्यादा धार्मिक लोग थे, बहुत ज्यादा रूहानी लोग, प्रभु को खुश करने वाले लोग थे कहीं। It did not happen to us because we were very wise people, very religious and nice people, and we were pleasing God every time. No, it did not happen because of this. बल्कि हम वो सारे प्रभु के खिलाफ जितने कार्य थे वो सभी करते थे। We were in contrary to the word of God. We were opponents. We were the enemy of God and His commandment. फिर भी आज हमारे पास प्रभु का कलाम, प्रभु का अनुग्रह है। But we have received His grace and His word today. तो 11 की 6 में यही लिखा है कि ये इसलिए नहीं हुआ कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करने वाले, रूहानी, दुआ प्रार्थना करने वाले लोग थे। ऐसा नहीं था। It doesn't say it. This is what it says in Romans 11:6 that it happened to us by grace, not by our works. तो because if it was our works, then there is no grace. तो 11 की 6 में लिखा है कि ये हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि प्रभु के अनुग्रह से हुआ। Says Romans 11:6 that it is not because of our good works or worthy works, but by grace of God. और इफिसियां 2:8 में भी प्रभु का वचन यही कहता है कि
ये सब कुछ हुआ है प्रभु के अनुग्रह से हुआ, हमारे कर्मों से नहीं हुआ। Ephesians 2:8 also it says all this has happened to us, all these blessings came by his grace, not by we did some good work. लेकिन उस समय सभी सभी लोगों ने प्रभु का वचन जो था सभी ने नहीं ठुकराया था, कुछ लोग थे जिन्होंने प्रभु का वचन कबूल किया। But there were few who accepted the word of God, who accepted the truth. Not all rejected, but there were few who rejected, who accepted the word of God. इसी तरह आज भी कुछ लोग हैं जो अनुग्रह के द्वारा बचाए हुए हैं आज भी। Likewise, there are few people, maybe in small number, who have been saved by the grace of God. और देखिए पांचवी आयत में प्रभु का वचन कह रहा है हमारे समय के लिए, आज के समय के लिए। पांचवी आयत लिखा है, if you look at Romans, if you look at Romans 11 and verse 5, it says, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। Verse 5 is pointing us to times of today, the present time, that says, even so then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. Remnant means there are few, not all, but there are few who have been taken by election, and election by his grace. So we, it applies to us that we have been saved by grace, we may be few. Amen, amen. और देखिए प्रभु प्रभु का वचन कह रहा है हमारे समय में अनुग्रह से चुने हुए हैं लोग बाकी। वो कौन है? वो हम लोग हैं, हम जो हैं अनुग्रह से चुने हुए बाकी हैं। He is emphasizing on the word grace. In today's time, under this covenant, under this today's times, we have been by grace. We are the remnant, that means we are the left out, we are the few people, but we have been saved by grace. अब सात आयत में देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, सात आयत में। Now if you go to the verse 7 of Romans 11, इसलिए परिणाम क्या हुआ यह कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुनो हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। आमीन। Now here Paul is giving a more clear explanation to what he is talking about. He says, what then? So what happened? Israel has not obtained what it seeks. Israel was looking for their king, the Messiah, but they did not find it. But the elect have obtained it. The elect, who were the elect, they have received it, not the Israel, and the rest were blinded, and those who were not the elect, they were blinded. That means they could not see it, they could not receive it. आज भी जो लोग प्रभु का कलाम ठुकराते हैं, even to those who reject the word of God, वो कठोर किए गए हैं। Their hearts have been hardened. लेकिन हम जो लोगों ने प्रभु के कलाम के लिए अपने दिलों को नरम किया, प्रभु का कलाम कबूल किया, तो हम चुनो हुओं में आते हैं। But all those who have softened and humbled our heart and opened our heart to receive the word of God, then we come in the category of the elect, because then we receive the word of God. इसलिए आज उस समय भी कुछ चुने हुए लोग थे, आज भी कुछ चुने हुए लोग हैं। That means the elect have always been there. Even in those days there were few elect, and even today there is elect. The elect have not stopped coming forward. They are still there, but they are few in numbers. But elect are even today. अब प्रभु जब जमीन के ऊपर था तो सारे इसराइल के सारे अंधे नहीं ठीक हो गए थे, सारे लंगड़े नहीं ठीक हो गए थे, सारे मुर्दे नहीं जिंदा हो गए थे। When Lord was on this earth, then all the lames and all the dumbs and all the deaf could not be healed. क्यों?
सिर्फ क्यों है कि कुछ अंधे ठीक हुए, कुछ लंगड़े चले और कुछ ही जिंदा हुए हैं, क्यों? Why was it that only few of the deformed and disabled people, only few of them were healed, but not all? Why? जिन अंधों ने अपना हृदय हलीम किया, अपने आप को हलीम किया, प्रभु पे विश्वास किया, वो चंगे हो गए. All those who believed from their heart and submitted their faith to the Lord, they were healed. और जो जो लंगड़ों ने अपना अपना मन हलीम किया, प्रभु पे विश्वास किया, वो भी चंगे हो गए. Also healed and started walking. लेकिन लेकिन बाकी के लोग जो थे, उन्होंने अपना हृदय जो सख्त कर रखा कि हमें क्या जरूरत है जाने की, हम नहीं जाएंगे, हम अपनी शरा में पक्के हैं, कट्टरता है. Some of them did not bother to go to the Lord, did not want to submit their heart and their will and their faith to Him, so they did not want to go, so they were never healed. जो भी प्रभु के पास विश्वास से आया, वो चंगा हुआ, वो आशीष लेके ही गया. All those who came and approached the Lord with faith and humility, they received the blessing and they received the healing. आज भी वो ही प्रभु, आज भी इस वक्त हमारे पास वो ही प्रभु है. Even the same Lord is with us today, right now. और आज भी हो हमसे क्या मांगता है? What does he expect from us today? हमें प्रभु की जरूरत है. We need him, we need our Lord. और हम भी अगर प्रभु के पास अपने आप को हलीम करके विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे, तो हम भी चंगे होंगे. If we come to Lord, even if we come to Lord and we submit ourselves with a good faith and good heart, we will also be healed. तो सारा जगत जो है, सारा जगत बचाया हुआ नहीं है. The whole world is not the saved one, will not be saved. The whole universe will not be saved. इसको थोड़ा और जानने के लिए हम योहन्ना की अंजील में जाएंगे. We will just to focus a little bit more on this, we will go to the Gospel of John. कि क्या सारी सारा जगत बचाया हुआ है या सिर्फ चुने हुए? Is it only the elect or all rest of the world will be saved? Let us see what the scripture says. So योहन्ना की अंजील हम 10 चैप्टर में जा रहे हैं और 10 की हम Gospel of John और उसका 10 अध्याय and chapter 10 और उसकी 26 आयत से पढ़ने जा रहा हूँ. 26. And now, Saint John, chapter 10, beginning from verse 26. We are going to read now. 26 से 30 तक पढ़ने जा रहा हूँ. 26 to verse 30. We are going to read now. तो ये प्रभु का वचन है, प्रभु के अपने मुख से निकला हुआ ये वचन है. These are the words spoken by our Lord. और इस वचन से हम समझ सकते हैं कि कौन जो है वो प्रभु के पास आएंगे, किन पर प्रभु का कलाम खुलेगा. And by this we will know from the scripture that who are the ones spoken by the Lord and the word of God will be revealed unto them. देखिए 26 आयत में लिखा है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो. मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा. मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता. मैं और मेरा पिता एक है. आमीन.
mean, here we are reading from verse 26 to verse 13, and here we know who are the people who are received by God, who will accept God, and who are His people, and these are the words of Jesus Christ, verse 26 to 30. But you did not believe because you are not of my sheep, as I said to you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them from my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. Amen. तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने ये वचन 26 से 30 आयत तक बोले हैं। We thank God for these words which the Lord Himself has spoken from verse 26 to verse 30. तो यहाँ पे प्रभु ने जो विश्वास नहीं करते और जो विश्वास करते हैं उनमें फर्क बता दिया। The Lord has distinguished and differentiated the ones who believe and those who don't believe. प्रभु ने कहा तुम इसलिए नहीं विश्वास करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। The Lord declares here that you don't believe because you don't belong to my flock. You are not my sheep. और हम सभी जो यहाँ मौजूद हैं हम सभी प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। And I believe that all those who are assembled here, we are together here, we all are believers, those who believe on the Lord. और अगर हम विश्वास करते हैं इसीलिए प्रभु का वचन भी अब सुन रहे हैं। This is why, because we believe that we are hearing the word of God. अगर हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो 27 आयत में प्रभु ने कहा मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं। Because we are hearing his words, so God is confirming in verse 27 that my sheep hear my voice. और देखिए प्रभु ने कहा है कि जो भेड़े मेरी मेरा शब्द सुनती हैं मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली नाम से जानता हूँ उनको आमीन। The Lord is confirming, what a great confirmation. The Lord is confirming that because my sheep hear my voice, so I know them. That is why they hear my voice and then they follow me. आप और मैं अब सभी हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं। Me and you, we all are hearing the word of God. तो प्रभु ने क्या कहा है हमारे लिए कि मैं तुम्हें जानता हूँ। The Lord is confirming and acknowledging. देखिए He knows us. By name प्रभु हम सबको जानता है। The Lord knows us personally, individually by name, brethren. तो आगे देखो प्रभु ने क्या कहा मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। आमीन। The Lord says, I know them and they follow me. और देखिए प्रभु ने कहा कि जो मेरे पीछे चलते हैं और उन्हें उसका रिवार्ड भी मिलेगा इनाम भी मिलेगा जो मेरे पीछे चलते हैं। He says further, those who follow me, they will be suitably rewarded. They will also receive the reward. आप सभी अपना अपना काम छोड़कर इस वक्त प्रभु का वचन जो सुन रहे हैं प्रभु के पीछे जो चल रहे हैं। We all are sitting together here, hearing the word of God, giving our time and hearing the word of God. तो आपको क्या मिलेगा इसके बदले? We are definitely going to be rewarded for this. देखिए प्रभु के खुद मुख से सुने कि प्रभु क्या देगा हमें। Now you see the thing in the words of God, in the words of Lord Himself. Just see what is He going to reward to us. देखिए 28 आयत में उसने बोला है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, अनंत जीवन। मृत्यु से पार हो चुके हैं, मौत से पार। He says in verse 28, this is the reward he's talking about. I give them eternal life and they shall never perish, and neither shall anyone snatch them from out of my hand. देखिए प्रभु कहता मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा, वह कभी नष्ट ना होंगी, तीसरा कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन।
he mentions three things. Number one, eternal life. Number two, because of eternal life, they will never perish. And then, if they are in eternal life, then no one can snatch them from my hand. That means we will ever be with the Lord. देखिए प्रभु का धन्यवाद बनता है. हालेलुया. How much we should be thanking our Lord for this. आप और मैं पूरी तरह सुरक्षित हाथों में हैं. We are absolutely in safe hands of Lord. देखिए प्रभु ने खुद बोला है कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता. Lord himself has confirmed that no one can snatch them from my hand. संत पुलुस दावे के साथ ये कह सकता था. Paulus could say confirmedly कि अब मुझे प्रभु के प्रेम से कौन अलग कर सकता है. That who can take me away from the love of God, from the love of Lord? No one. देखिए वो कहता है क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या तलवार, क्या भूख, he क्या मरी. Neither poverty nor richness. Neither hunger nor thirst nor sword nor heaven nor earth. कोई चीज भी मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती. No one can, no power can dislodge me and disconnect me and deprive me from the love of God. क्या हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं इस विश्वास पे? Have we reached this threshold and this limit in the love of God? क्या अभी भी हम दुनियावी चीजों में फंसे हुए हैं, भाग रहे हैं उनके पीछे? Are we still following and harping for the physical and worldly things? Are we doing it? फिर इसका मतलब है हम प्रभु के उस वचन को नहीं समझ पाए. If it is so, then that means we don't stand upright to the word of God. जहां प्रभु ने कहा है कि पहले मेरी मेरी धर्म और राज की मेरे धर्म राज की खोज कर लो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे होगी, सारी चीजें. Because the Lord says, seek you first the kingdom of God, then all these things will be added unto you. अब हम जो लोग हैं हम दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, दुनिया की चीजें हमारे पीछे भागेंगी. When we are with the Lord, we don't have to run after the things of the world. The Lord will already provide us and those things will be available to us. इसके लिए हमें सबसे आगे जो रखना है वो प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन आगे रखना है. That's why the Lord's word and Lord should have preeminence and priority in our life. उसके बाद प्रभु ने बोला है कि खाने की, पहनने की, रहने की चिंता ना करना. He says, do not worry about your food and shelter and clothing. प्रभु ने कहा तुम्हारे सर के बाल भी मैंने गिन के रखे हुए हैं. He says, I even every hair is counted. क्या आप अपने अपने बालों को गिन सकते हैं? Can we count them? Can we count our hair? देखिए प्रभु ने गिन के रखे हुए हैं हम सभी के. The Lord has done because he is Lord God. और इवन उसने कहा एक भी बाल मेरी मर्जी के बिना नहीं गिरता. He says nothing will happen, not even a hair will fall from your head. Without my knowledge, without my will. तो बताइए प्रभु अगर बालों के बारे में ऐसा बोलता है तो हमारी कितनी केयर करता है? By this we know when the Lord makes such statement that how much he cares for us. So हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने 28 आयत में बोला है. We thank God for the statement of our Lord in the verse 28. और जहाँ प्रभु ने कहा है कि मैं उसे उन्हें अनंत जीवन दूंगा, दूसरा वो कभी नष्ट नहीं होगी, तीसरा कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता. He says, I will give them eternal life, they will never perish and no one can snatch them from my hand. 29 आयत में प्रभु बता रहा है कि उन लोगों को किसने मुझे दिया. 29 आयत में प्रभु बता रहा है. He says that how did God have the elect coming to him? How did that happen? He says in verse 29.
उसने 29 आयत में बोला मेरे पिता ने उन्हें मुझे दिया है, पिता ने। In verse 29 he declares that he receives his people through the father. Whoever the father has given, the son is receiving. देखिए पुराना नियम पढ़े वहाँ प्रभु परमेश्वर यहोवा कहता है कि कोई किसी चीज को मेरे हाथ से छीन सकता है क्या? The Lord says in the Old Testament, can anyone take away or snatch anything from my hand that belongs to me? अब प्रभु यीशु मसीह खुद गवाही देता है कि कोई भी पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। The Lord Jesus himself is giving a witness that no one can snatch us from his hand. अब देखिए हम प्रभु परमेश्वर के हाथों में हैं। We are in the safe hands of our Lord. और किस कैसे पता चलता है कि हम प्रभु के हाथों में हैं? How do we know this? How do we have assurance? क्योंकि हम प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु के वचन को आमीन कहते हैं। Because we hear the word of God and we say yes and amen to the word of God. और हम प्रभु के पीछे चल पड़ते हैं। And we follow the Lord. और ना हम दाएं देखते हैं, हम ना बाएं देखते हैं कि कौन सी तालीमें चल रही है, क्या चल रहा है, हम सीधा प्रभु की तरफ देख रहे हैं। We just focus on the word of God. We don't look on the left or on to the right. We just follow the word. पतरस ने जब ही लेफ्ट और राइट देखना शुरू किया तभी वो डूब गया। The disciple Peter, when he lost his focus from the Lord, who was the Word, and he looked left or right, then he stumbled, and he thought that he is falling. जितनी देर वो प्रभु को देखता रहा, उतनी देर वह मुश्किल मुसीबतों, इस संसार की सभी दुखों तकलीफों के ऊपर चलता रहा, निकलता रहा। As long as he was focused on to the Lord, he had no difficulty. He was sailing smooth. तो हमें प्रभु की तरफ ही देखना है, बस प्रभु की तरफ ही देखना है हमें। We have to focus to the direction of our Lord Jesus Christ, to the Word. और हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, योहन्ना की अंजील में रहेंगे और उसकी 17 अध्याय की 6 आयत में जा रहे हैं हम। We will see one more verse in John chapter 17 and verse 6. 17 की 6 पढ़ रहे हैं हम, 17 की 6 से पढ़ने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ प्रभु जो है वो प्रार्थना कर रहा है अपने अपने चेलों के लिए। 17 की 6। Now here we see the Lord is praying. In the verse 6, John chapter 17, the Lord is praying for his disciples, for his people. और लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। And here he says, I have manifested your name to the men whom you have given me out of this world. देखिए प्रभु कह रहा है कि पिता मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन मनुष्यों को तूने मुझे दिया, सभी पर नहीं। The Lord says, I have not declared it to all, but I have only declared those people whom you have given me. आज अगर आपके ऊपर भी प्रभु का कलाम जो है प्रकट हुआ है तो इसलिए हुआ है कि प्रभु ने हमें दिया है प्रभु यीशु को। If today the word of God has been revealed and manifested to us, this is the evidence, this is the witness that the Lord God, that God has given us. अब देखिए, we are His people. प्रभु, they have been given by God. अब प्रभु कह रहा है, वह तेरे ही थे, वह तेरे थे प्रभु, वह तेरे थे, और तूने उन्हें मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने मुझे दिए। Now here he is, Jesus says in verse 6, they were yours. He is talking to Father. He says, they were yours and you have given them to me.
और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है, जो तूने मुझे दिए थे उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। Who are these people whom you have given me from this world? Who are these people? They are the people who have accepted and who have kept your word. अब देखिए, जिन जिनको पिता परमेश्वर चुनेगा वो ही लोग जो हैं वचन को जानेंगे, वचन को मानेंगे, जिनको पिता देगा, परमेश्वर देगा। God chooses whom he elects, they are the one who will keep his word. अब देखिए, जब प्रभु प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करने जा रहा है अपने चेलों के लिए 15 आयत में, In verse 15, when he is going to pray for his disciples, 14 आयत से पढ़ने जा रहा हूँ, 14 आयत से, I'm going to read from verse 14 now. मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वह भी संसार के नहीं है। Now I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. जो लोग जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना, जो लोग प्रभु में आए हैं, तो प्रभु ने कहा जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वो भी अब संसार के नहीं है। The Lord is confirming here that those who have come, those who have kept the word, and those who have come into the word, they are not of this world. Like the Lord is not of the world, so the world is hating them. अब 15 आयत में देखिए प्रभु क्या कह रहा है। 15 आयत में, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हालेलुया, आमीन। ये वो कहता है, नाउ ही सेज इन वर्स 15, आई डू नॉट प्रे दैट दे शुड यू शुड टेक देम आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट दैट यू शुड कीप देम फ्रॉम द इविल वन। That means they stay in the world, but they still stay protected from the evil one. देखिए, प्रभु ने आपके और मेरे लिए, प्रभु ने आज से 2000 साल पहले प्रार्थना कर दी थी आपके लिए, मेरे लिए। Now see, brethren, for me and for you, for all of us, those who are His, He already prayed for our sake 2000 years ago. हम इस संसार में जरूर रह रहे हैं, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना की है कि हमें दुष्ट से बचाए रख, दुष्ट से बचे रहेंगे हम। The Lord says, even though we are physically in this world, but His prayer is, even though we are in this world, but His prayer is to God the Father that please keep them protected from the effect or influence of the evil one. अब 16 आयत में प्रभु कह रहा है कि जो मेरे लोग हैं, मेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, वो इस संसार के नहीं है, इस संसार के नहीं है। And he tells, they are not of the world. Those who belong to me, they are definitely not of this world, because I am not of this world. अब 17 आयत में प्रभु प्रार्थना कर रहा है कि इन इन लोगों को पवित्र कर, जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, चले हुए हैं, उन्हें पवित्र कर पिता। Now he is further praying. This is the part of his prayer. This is the important part of his prayer. Sanctify them by your truth. अब देखिए, हम पवित्र कैसे होते हैं? Now you see how are we sanctified? सत्रह आयत पर हमें ध्यान लगाना पड़ेगा कि हम पवित्र कैसे होते हैं। How are we sanctified?
कुछ लोग कहते हैं कि उस चर्च को ज्वाइन कर लो, कुछ लोग कहते हैं उस चर्च को ज्वाइन कर लो। बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारी संस्थाएं हैं आज दुनिया में। There are so many institutions and so many sects and denominations and teaching centers, and people say, okay, if you go there, you join them, you get educated by them, you follow them. मैंने पवित्र होना है, कौन सा चर्च ज्वाइन करूं जिससे मैं पवित्र हो जाऊं, बताइए आप। How do I sanctify? How do I get sanctified? Which church should I join? Which church should I go and follow? 350 के करीब जो है संस्थाएं हैं, 350 के करीब रजिस्टर्ड, और उसके बाद भी बहुत सारी अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हैं मसीह जगत में। There are many, many denominations and institutions and sects in few hundreds, those who are registered and unregistered in this world. तो हम प्रभु से ही पूछेंगे कि हम पवित्र कैसे हो सकते हैं। If we ask, we don't ask a man, we only ask our God. God, please tell us, how do we sanctify ourselves? How do we get sanctified? प्रभु ने खुद प्रार्थना की है 17 आयत में कि सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। हालेलुया। The Lord himself, hallelujah, the Lord himself is praying to God that sanctify them by your truth. और Nobody is God but God's truth. तेरा वचन ही सत्य है। आमीन आमीन। Because now the answer here is, how do we get sanctified? We get sanctified by truth. And what is the truth? He says, your word is truth. So we know we get sanctified by the word of God. हम प्रभु का वचन ही सिर्फ पवित्र है, सत्य है, सिर्फ प्रभु का वचन। Only the word of God is truth, and only it is perfect, and only it can sanctify us. जब मेरे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, When I have too many questions up my mind, जब मैंने पवित्र होना है, When I have to be sanctified, मैं इधर उधर कहीं भी नहीं जाऊंगा। I will not go and hunt and look for different directions. मैं प्रभु के वचन में जाऊंगा। I will go back to the word of God for sanctification. क्योंकि प्रभु का वचन ही पवित्र है। Because the one who can sanctify me is the word of God. तो प्रभु ने प्रार्थना करके अपने चेलों को पवित्र किया वचन के द्वारा। Through his prayer, God got a recommendation from God, his Father. The Lord asked through his prayer that we should be sanctified by truth, and that truth is his word. फिर प्रभु ने प्रार्थना की, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। अब आगे, आमीन। Now, when these disciples or his people are sanctified, now God continues his prayer and he says to Father, as you have sent me into this world, so I have also sent them into this world. तो चेले जो थे वो प्रभु के वचन के द्वारा पवित्र हो गए थे। Now the disciples were already sanctified by the word of God. चेलों ने फिर सारे जगत में प्रचार किया प्रभु के वचन का। Then they went into all over the world to preach the word of God. इसी तरह हमारे पास वचन पहुंचा। Likewise, the word of God came to us. We received it. और आपने और मैंने जो है इसी वचन को कबूल किया है। आमीन। And me and you have received and accepted the same word.
कोई दूसरा तीसरा चौथा वचन नहीं, हमने सिर्फ बाइबल वाला वचन कबूल किया है हमने सभी ने। We haven't received any other strange word except the word of God. जब हमने प्रभु का वचन कबूल किया है तो 20 आयत में, 20 आयत में प्रभु ने आपके लिए, प्रभु ने मेरे लिए जो है प्रार्थना कर दी हुई है। The Lord has prayed for us in the verse 20. प्रभु ने 20 आयत में आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर दी हुई है 2000 साल पहले। And the Lord has, before 2000 years, the Lord has already prayed for you and for me. प्रभु 20 आयत में प्रभु ने कहा है, The Lord has said in the verse 20, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। I do not pray. This is verse 17, brother. 20, brother, 20. Brother Jaswinder, which verse is it? Yes, brother, 20 verse. Verse 20. Yes. Verse 20. I do not pray for these alone. Now he says, I do not pray for this alone, Father, but also for those who will believe in me through their word. So now, not only for my disciples currently at that, no, he is also praying for those people who will listen from the preaching of these disciples and will follow the word. देखिए देखिए प्रभु ने हमारे लिए already हमारे लिए यहाँ प्रार्थना कर दी हुई है, आपके लिए, मेरे लिए। The Lord has already prayed, He submitted His prayer to Father already for you and me. अब देखिए प्रभु ने कहा कि वह सब एक हों, जैसा जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, जैसा मैं और मेरा पिता एक हैं, वैसे ये भी सब एक हो। Likewise, he confirms further through his prayer that all his disciples and all the children who have been called out in the word, they must be one. He says, they must be one. Like the Father and the Son are one. और देखिए 23 आयत में प्रभु ने कहा कि मैं उनमें और तू मुझ में, कि वह सिद्ध होकर एक हो जाएं, सिद्ध होकर एक और हो जा एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे वह भी एक दूसरे से प्रेम रखे। Here the Lord is joining himself and his people and God together, and he says, I in them and you in me, that they may be made perfect in one, that the world may know that you have sent me and have loved me as you have and you have loved them as you have loved me. अब देखिए हमारे लिए प्रभु ने पहले से ही प्रार्थना कर दी थी हमारे लिए। The Lord had already prayed for us in advance. अब देखिए हमारे लिए प्रभु ने एक और चीज मांगी प्रार्थना में 24 आयत में। He asked in 24th verse, he asked something which is very very important. देखिए हे पिता, प्रभु कह रहा है, हे पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वह भी मेरे साथ हो, कि वो मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझसे प्रेम रखा। आमीन, हालेलुया। Father, I desire, the Lord is talking now, Father, I desire that they also whom you have given me
may be with me. That means we should be with the Lord. Where I am, may be of me before the foundation of the world. Amen. अब देखिए ये प्रभु जो हमारा प्रभु है वो शरीर में होकर पिता से दुआ कर रहा है और ये दुआ जो कर रहा है वो अपने चेलों के लिए विश्वासी लोगों के लिए आने वाले विश्वासी लोगों के लिए भी दुआ हो रही है। The Lord is not only praying for the disciples who were around him, but also is praying for all those who would be his disciples like us in future. और 25 आयत में प्रभु कहता है, धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है, तू ही ने मुझे। Verse 25, he says, O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you sent me. और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आमीन। Now you see again he prays a very very important prayer and he says I have declared them your name and I will declare it that the love he's talking about love that the love with which you love me may be in them. Amen. So, प्यारे भाई और बहनों और वचन से हमने जाना कि ये सारा संसार चुना हुआ नहीं है। We have learned that all of this universe is not the chosen one. ये प्रभु का कलाम कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुने हुए हैं हम। जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने हमें चुन लिया था। We have been chosen before the foundation of the world. This we hear from the word of God. और प्रभु ने चिन्ह भी बताए हैं, जो चुने हुए लोग हैं वो उसका शब्द सुनेंगे और उसके पीछे चल देंगे। And we know from the word of God that those who are chosen one, those who belong to him, only they will hear his word and they will follow him. और प्रभु ने एक चिन्ह और बताया कि मेरी भेड़े पराए का शब्द नहीं पहचानती। And he says that my sheep will not listen to a strange voice. They will only listen and follow me. हम तो सिर्फ प्रभु का ही शब्द पहचानते हैं। We only hear the word of God. We only recognize him. और प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया और हमें कोई भी अब प्रभु के हाथों से छीन नहीं सकता। He has granted us the assurance of eternal life and no one can take us away from his hands. और अजीजों, प्यारे भाई और बहनों, ये सत्य वचन है जो कलाम से बताया गया, ये सत्य वचन है। This is the true word that we have heard. और जब आप इस सत्य वचन पर विश्वास करते हैं, आमीन कहते हैं, तो बाइबल कहती है कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर छाप लगा दी गई है। And when we hear and believe and follow this word of God, then Bible says that now we have been sealed by the Holy Spirit. और जब हम जानते हैं कि छाप लग जाती है तो उस चीज को कोई भी नहीं छेड़ सकता। And when we know that when the job is done, the work is completed, it is sealed, that no one can disturb it and no one can change it. और हम सब पे प्रभु के सत्य वचन के द्वारा छाप लग गई है। We have been sealed by the true word of God. फिर चाहे हम जहां मर्जी भाग लें, प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। Once we come into the sealing of the word of God by the Holy Spirit, then we cannot be disconnected and we will ever stay in the word and with the Lord. मूसा ने कोशिश की थी भागने की, लेकिन भाग नहीं सका।
Moses tried to run away, but he couldn't. दाऊद से भी गलती गुनाह हुए, लेकिन भाग नहीं सका, प्रभु ने नहीं छोड़ा उसे। David also tried to run away, but the Lord held him. He couldn't run away. हम एलिया को भी जानते हैं कि एलिया भी जिजबेल से डर के जंगल में भाग के छुप गया, लेकिन प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। We know about Elijah also that he ran away and he was scared of Jezebel, but the Lord uplifted him and Lord made sure Jeremiah, that he was rescued. Jeremiah कहता है कि मैं अभी छोटा लड़का हूँ, मैं अभी नहीं बोल सकता, वचन प्रचार कर सकता। प्रभु कहता है तू वचन प्रचार करेगा, जहां मैं भेजूंगा तू जाएगा। Jeremiah also said that he is not confident and he doesn't know what to do, but the Lord said, "No, I will send you wherever I send you, you will go." पत्रस तीन बार मुकर गया, लेकिन प्रभु ने फिर उसको पकड़ के कहा कि तू मेरी भेड़े चराएगा। The Lord denied, the Peter denied Lord Jesus Christ, but Jesus told him, "Listen, you are the one who will tend my sheep." संत पुलुस ने मसीह लोगों को कत्लेआम किया, मसीह लोगों को मारा, लेकिन प्रभु से भाग नहीं सका। Paul also tormented, and he was against. And he was an enemy of Christians, but God wanted to change him, and God rescued him. God changed his mind, and he became a man of God, a follower of Jesus Christ. योना नबी निनवे की जगह तर्शीश भाग गया, लेकिन प्रभु ने फिर पकड़ लिया, उसे भागने नहीं दिया, छोड़ा नहीं। Prophet Jonah ran away from the sight of God and commandment and instructions of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. तो हम भी प्रभु के चुने हुए हैं। हम भी जहां मर्जी भाग लें, प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। Are chosen one of God when we have God wherever we would like to go astray and try to run away and disappear, the Lord is, He will always uphold us. प्रभु ने कहा मेरी 100 बेड़े हैं, अगर एक भी बाड़े से बाहर चली गई तो मैं 99 को छोड़कर उस एक बेड़ को वापिस लेके आऊंगा। हालेलुया। Lord said, if I have 100 sheep in my sheepfold, and even if one is lost, I will leave 99 and go and find the one. So, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए। So we thank you, we thank God for this time today in this meeting. प्रभु आप सबको बहुत से आशीष बरकत दे। May the Lord bless you all. May the Lord guide you and bless you abundantly. और आज का ये संदेश हमारे सभी के जीवनों में 100 गुना फल लाए। And it is my prayer that may the word of God bring manifold fruits and blessings in our life. और मैं अगला समय प्रभु के दास भाई मैनुअल को देता हूँ। I hand over the meeting to Brother Emmanuel to continue this meeting. Amen. God bless you. God dhanyawad bhai Jaswinder. God bless you, Jaswinder, for sharing this word of God. May God bless you. May Amen. God be praised. All honor and all glory belongs to our God. Amen. 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 Now we are in the closing time of our this meeting, and we have been really, really richly blessed by a lot of scriptures and lot of meditation and focus on the word of God, and God has been very kind. We had some wonderful prayers, meditation, wonderful singing, encouraging singing by our sister, and we had the fellowship of our Lord Jesus Christ. The main thing is we had the fellowship of our Lord
And our Lord has been with us all through this time because He said, when few will be gathered in my name, that I am amongst you. And we have a faith because we have been talking about word of God. So we have been discussing, we have been talking about His word, we have been talking about Him. So naturally, He has been fellowshipping. Without His presence, we could not even think about His word. We could not even learn, we could not even understand. Prabhu ke bagair na to hum uske vachan ko sun sakte hain, na uske vachan ki pairvi kar payenge, na uske vachan ko samajh payenge. To hamara vishwas hai ki Prabhu hamare saath raha hai. Now we are concluding our service now. And I was just quickly looking if there is a prayer request. I haven't found anything. Ab mujhe koi khas request nahi mili. Par ab hum is prarthna sabha ko khatam karte hain. Aur main darkhast karunga bhai Jalan Paul hamare beech mein hai. Bhai Jalan, आप प्रार्थना करेंगे और इस सभा की समाप्ति के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे उसके वचन के लिए और आप जिस भाषा में नेपाली भाषा में हिंदी में जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप प्रार्थना कर सकते हैं अनुभवी हैं और इस प्रार्थना के द्वारा भाई जलान की प्रार्थना के द्वारा हमारी आज की प्रार्थना सभा समाप्त होगी. अवर मीटिंग विद कंक्लूड with the prayer of Brother Jalan Paul. He is from Kathmandu, he is joined with us and he will be praying now. Brother Jalan, now you can pray. Jai Mishri Ki, Prabhu ke naam se aap sabko, aaiye hum log prarthna karenge. Pavitra dayalu anugrahkari Brahma Parmeshwar, Matsur Kalakshi ma, tapai ekmatra mahan sarvashaktiman dayalu anugrahkari Brahma Parmeshwar hununcha. Pavitra Parmeshwar, tapai ko mahan कृपा अनि अनुग्रहमा प्रभु तपाईँले आजको दिन हामीलाई दिनुभयो र आजको दिनमा प्रभु फेरि पनि तपाईँलाई महिमाको निम्ति प्रभु तपाईँले अलग गर्नुभयो अनि प्रभु यस मिटिङमा प्रभु तपाईँले संसारमा रहेका तपाईँका पवित्र जनहरूलाई अलग अलग ठाउँबाट प्रभु तपाईँले जम्मा गराउनु भयो प्रभु. आज हामी शरीरमा धेरै टाढा छौँ तर तपाईँले आत्मामा एक गराएर प्रभु तपाईँको वचनद्वारा प्रभु तपाईँ हामीलाई खुवाउनु भ्याउनु भयो. मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु. साँच्ची नै प्रभु तपाईँको त्यो आत्मिक धाराबाट प्रभु तपाईँले जो हाम्रो माझमा छर्नु भएको छ प्रभु तपाईँको प्रत्येक वचन ब्रदर श्यामले जो बाँड्नुभयो अनि ब्रदर जसविन्दर दुवैजनाले प्रभु बाँड्नुभएको तपाईँको सत्य वचनलाई प्रभु हामीले हाम्रो हृदयमा कैद गर्न सकौँ प्रभु. तपाईँको सत्य वचन अनुसार प्रभु हामीले जीवन जिउन सकौँ. तपाईँको वचनलाई अँगाल्न सकौँ. हामीले तपाईँलाई पछ्याउन सकौँ प्रभु. तपाईँको आवाज सुन्न सकौँ प्रभु. आफैलाई पवित्र पारेर प्रभु तपाईँ परमेश्वरको पछाडि हामी लाग्न सकौँ. तपाईँलाई अगाडि राखेर प्रभु निरन्तर हामी तपाईँलाई पछ्याउन सकौँ प्रभु. र तपाईँकै वचन अनुसार प्रभु तपाईँ हामी तपाईँको वचनमा स्थिर रहन सकौँ. त्यसरी नै प्रभु वचन प्रचार गर्ने तपाईँको छोरा ब्रदर श्याम अनि ब्रदर जसविन्दरलाई प्रभु तपाईँ स्वर्गको झ्याल खोलेर आशिष दिनुहोस् प्रभु. तपाईँको वचन अनुसार यसरी नै संसारको कुना कुनामासम्म प्रभु तपाईँको वचनहरू प्रचार गर्नको निम्ति तपाईँलाई महिमा दिनको निम्ति प्रभु तपाईँले आफ्ना छोराहरूलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु. अनि यसरी नै तपाईँको जुम मिटिङमा प्रभु अरू पनि प्रभु तपाईँका चुनिएका जनहरूलाई प्रभु तपाईँ ल्याउनुहोस् अनि तपाईँको वचन सुनाउनुहोस् अनि तपाईँको राज्य विस्तार गर्नुहोस् प्रभु तपाईँको महिमाको निम्ति. धन्यवाद छ प्रभु फेरि पनि विशेष प्रयोग आजको यो सङ्गतिको निम्ति अनि सबै कुराको निम्ति प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र तपाईँलाई नै आदर मान महिमा भक्ति चढाउँछौँ. प्रभु यीशु ख्रीष्टको पवित्र सर्वोच्च अनि सामर्थ्य नाममा आमेन. 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 Amen. God bless you all. Amen. Yes. Amen. हम कैमरा खोल सकते हैं अपना माइक ऑन कर सकते हैं. माइक ऑन कर सकते हैं. हम कैमरा ऑन कर सकते हैं और आपको ग्रीटिंग सलाम कर सकते हैं. Amen. हाँ जी. God bless you, जसविंदर जी. जय मसीह भाई. जय मसीह भाई कृष्ण. जय मसीह. जय मसीह. जय मसीह भाई कृष्ण. जय मसीह की भाई. आमीन. जय जय मसीह की. 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 जय मसीह जी. जय मसीह. जय मसीह सिस्टर. जय मसीह. जय मसीह सिस्टर जी. जय मसीह सिस्टर. जय मसीह जी. जय मसीह भाई. प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर जी. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर. जय मसीह. भाई इमैनुअल. जय मसीह. ब्रदर. जय मसीह.
जय मसीह, जय मसीह जी। यस ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर इमैनुअल, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह ब्रदर गिलबर्ट, ब्रदर गिलबर्ट, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। यस ब्रदर, यस ब्रदर गिलबर्ट। सिस्टर रिंग से, गॉड ब्लेस यू। God bless you. God bless you. Thank you. Yes. God bless you, sister. God bless you. Thank you, brother. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Okay. God bless you. God bless you, brother. Mary, God bless you. God bless you. Good meeting. God bless you. Amen. Brother Luke, get ready for the rapture. Amen. Our prayer. Amen. Hare Krishna, Jai Masi Ki. Brother, Hare Dai, Jai Masi Ki. जय मसीह, जय मसीह। आमीन, गॉड ब्लेस यू टू ब्रदर इमैनुअल। सिस्टर को देखकर बड़ा खुशी हुआ, वेरी नाइस। दिस इज योर मोटिवेशन, मोटिवेशन। मैं वो तो एक ही वही कर सकता काम, वही कर सकता। हम लोग प्रार्थना, यस हालेलुया, आमीन। Yes, brother, God bless you. God bless you. Amen. 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 Bless you. Amen. Amen. Bye. 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 Very nice. Very, very encouraging. God bless you. Wonderful voice. Wonderful song. Bye. God bless you. Amen. 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 Thank you. Bye. Bye.